सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शमसुख कमर और आप देख रहे हैं अजमली इंटरनेशनल। हमेशा की तरह गल्फ जॉब के अकॉर्डिंग, गल्फ के न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के सामने नई नई वैकेंसी एंड अपडेट लाता रहता हूँ। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए एक वैकेंसी। जो वैकेंसी है वो है सऊदी अरबिया की जो कंपनी का लेकर आया हूँ वो है ग्लोबल का लेकर आया हूँ, जो कि सऊदी की बढ़िया से अच्छी कंपनी है बहुत ही, जिसका क्लाइंट इंटरव्यू हमारे यहाँ रहेगा 29 तारीख को, इसी महीने की 29 मार्च को रहेगा। जो कैटेगरियाँ हैं बहुत सारी हैं, जो भी बिना देरी किए बता दूँ मैं आपको। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हाउस इलेक्ट्रीशियन सैलरी होगी 1300 प्लस 300। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी होगी 1500 प्लस 300। मैकेनिकल फिटर चाहिए, सैलरी होगी 1300 प्लस 300। पाइप फिटर चाहिए, सैलरी होगी 1300 प्लस 300। पाइप फैब्रिकेटर चाहिए, सैलरी होगी 1400 प्लस 300। स्ट्रक्चरल फिटर चाहिए, सैलरी होगी 1300 प्लस 300। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर चाहिए, सैलरी होगी 1400 प्लस 300। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी होगी 1300 प्लस 300। मेसन चाहिए, जो मेसन चाहिए वो बता दूँ आपको। ऑलराउंडर चाहिए, ब्लॉक वाले ब्लॉक वर्क आना चाहिए उनको, प्लास्टरिंग का भी आना चाहिए और टाइल्स का भी आना चाहिए उनको, ऑलराउंडर में से, जो कि 1300 प्लस 300 सैलरी होगी। स्काफ होल्डर चाहिए, जिनके पास TUV कार्ड मस्ट हो रहा है उनके पास, क्योंकि TUV कास्ट मस्ट है उनके पास, होना ही चाहिए स्काफ होल्डर के पास, सैलरी होगी 1300 प्लस 300। रिगर चाहिए, लेवल 2 एंड 3 वाले, उनके पास भी TUV कार्ड मस्ट है उनका भी, सैलरी होगी 1300 प्लस 300। टिग एंड आर्क वेल्डर चाहिए, प्लस मिग वेल्डर भी चाहिए, टिग आर्क प्लस मिग वेल्डर, सैलरी होगी 1400 प्लस 300। ENI टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी होगी 1400 प्लस 300। सैंड प्लास्टरिंग चाहिए, सैलरी होगी 1400 प्लस 300। पेंटर चाहिए, ब्रश वाले एंड एयरलाइंस वाले, बम्परस वाले एंड एयरलेस वाले चाहिए, सैलरी होगी 1300 प्लस 300। सिविल इंजीनियर चाहिए, जो गल्फ रिटर्नर ही चाहिए, और जो कि उनको मिनिमम 5 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सैलरी होगी नेगोशिएबल, ऑन टाइम क्लाइंट इंटरव्यू के टाइम ही पता चलेगा आपको। मैकेनिकल सुपरवाइजर चाहिए, जिनके पास गल्फ रिटर्नर एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल तक का, ठीक है, सैलरी उनका भी नेगोशिएबल रहेगा। नेगोशिएबल यानी कि उनका क्लाइंट इंटरव्यू के टाइम क्लाइंट ही उनका सैलरी डिसाइड करेंगे कि आपकी जानकारी के हिसाब से सैलरी आपकी कितनी लगनी चाहिए। ड्यूटी आवर्स रहेगा आपका 8 घंटे का, प्लस 2 घंटा ओवर टाइम है। अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड बाय द कंपनी, इंश्योरेंस भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। तो जितने लोग हैं जो कि जिनको इस कंपनी में जाना है, आप लोगों को करना ही है कि आप लोगों को मुझे कॉल करना है। कॉल करने का टाइम सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है, संडे ऑफ रहता है। कॉल करके आपका नाम, नंबर, पासपोर्ट नंबर और ट्रेड, इन सभी चीज़ों की एंट्री करा देनी है, क्योंकि जिसकी एंट्री रहती है उसका इंटरव्यू पहले होता है, और जिसकी एंट्री नहीं रहती है उसका इंटरव्यू जैसे हुई वो ऑन टाइम आता रहेगा, भीड़ के हिसाब से भीड़ का हिस्सा बनता रहेगा, उसके हिसाब से उसकी इंटरव्यू होती रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।